बाजवा साहब जो अज प्रताप सिंह बाजवा की ताजपोशी आनू शक्ति प्रदर्शन वजो भी एक मैसेज दिता जा रहा है जी। देखो सारे नो पहले तो मैं ऋणी हाँ पंजाब के कांग्रेस के वो वर्करा का जिहड़ा पंजाब के हर कोने तो बाजवा साहब के एक सनाह से प्रताप सिंह बाजवा जी के सनाह से सारे कोने के आए ने और ए, एक मैसेज है सरदार प्रताप सिंह बाजवा का भी जिहड़ा कांग्रेस का वर्कर है उन्हूं मिलके हर घर के जर के हर पिंड के हर दरवाजा खड़कार के वर्कर नूं कायम करना है और कांग्रेस नूं आपां बिल्कुल स्ट्रोंग पार्टी बना के इत्थे पंजाब दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल और उन्हां दी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है उस नूं ठोक के जवाब देना है और ए मैं रिनी इस तों अलावा कांग्रेस पार्टी हाई कमांड दा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दा जिन्हां ने एक बहुत ही चंगे नौजवान लीडर जिहड़ा के मैंबर पार्लीमेंट सी उस दी खोज करके उन्होंने पंजाब दे विच कांग्रेस की सेवा करने लिए भेजा और असी तुहानूं इह विश्वास दिवाना चाहते हाँ कांग्रेस बाजवा साहब वालों भी कांग्रेस पार्टी नूं उन्हां दी रेख देख थले एक मजबूत ऑर्गनाइजेशन एक मजबूत पार्टी बनाया जाऊगा और ताकि आने वाले दिनों दे विच उन्हां दी रहनुमाई दे विच कांग्रेस पार्टी जिहड़ी लोक सभा है 2014 दी ਉਹ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ और उस पंजाब की जिहड़ी आवाज है लोगों की उस श्रोमणी अकाली दल के सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं उन्हां दे कन्न खोलिए उन्हां दी अखां खोलिए कि दसीए भी पंजाब के लोग की चाहते हैं। बाजवा साहब ये जी अज जी माझे की धरती तो ही लोगों का इकट्ठ आया गया कि पंजाब के हरेक कोने चो लोगों ने अज जी ताजपोशी शमूलियत की हैगी है। देखो मैं इसको ताजपोशी नहीं कहता मैं इसको लोक सेवा कहना बाजवा साहब का मन है भी असी अज लोगों की सेवा करिए और ये लोग जड़े ने पंजाब के हर कोने चो आए ने मालवा दुआबा माझा और लोगों का खास करके वर्कर वर्कर ने बाजवा साहब की इस नियुक्ति के उत्ते जड़ा उन्होंने अपनी सॉलीडैरिटी विखाई है बाजवा साहब के पिछे भी असी वर्कर सारे बाजवा साहब ताडे नाल आ तगड़े होके लड़ाई लड़िए और कांग्रेस नूं तगड़े होके सरकार नूं आपां नत्थ पाईए। अज दा दिन इत्थों 2014 जिहड़े लोक सभा होणियां उह इत्थों बिगल वजा दित्ता जाऊगा कांग्रेस पार्टी वल्लों बिल्कुल 2014 दी अज ही बाजवा साहब की नियुक्ति इंस्टॉलेशन तो बाद साडी शाम नूं मीटिंग है और अज शाम की मीटिंग दे विच उन्हां ने सारे जिन्हें भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता ने उन्हां नूं बुलाया और एक देख रेख अज तो ही शुरू करनी है इस नूं कल तक वेट नहीं किया गया शाम नूं 6 बजे मीटिंग दे विच सारा कुछ लिखिया जाएगा। तो लगता कि जिहड़ा हमेशा कहिंदे कि पंजाब च ग्रुपबाजी आ गुटबाजी हैगी आ उह अज दे दिन इह जिहड़े जिन्ने वितकरेबाजी आ गुटबाजी आ धड़ेबंदी आ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल देखो असीं इह समझदे आ भी जदों श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जिहड़े साडे वाइस प्रेजिडेंट ने पार्टी दे उहनां दा हुक्म है भी पार्टी नूं यूनाइटेड फेस और तगड़े होके आपां सारे इक मुट होके चलना है सो छोटे मोटे पार्टियां दे विच हुंदे ने मुकालते पर मैं समझना बाजवा साहब की इंस्टॉलेशन दे नाल सारी पार्टी नूं सारे लीडर्स नूं नाल लैके एक ग्रुप बना के एक फेस दे के आपां नाल चलना है। ते बादल साहब की जिहड़ी सरकार आई है लगता कि जो सर वो पंजाब चो कम चल रहा है जिदा तुसीं कहा कि लोटू टोला है तो बाजवा साहब उस लोटू टोले का मुकाबला कर जगह से स्ट्रोंग प्रधान वजो उभर के सामने आने। देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहिए उस अकाल पुरख की कृपा के नाल तुहानू चंद दिनों के विच ये दिखना शुरू हो जाएगा भी प्रताप सिंह बाजवा दे प्रधान बनन ते कांग्रेस पार्टी की चीज़ा उलीक रही है और इस नादरशाही सरकार का डट के मुकाबला करांगे और इन्हां एक बार चलदिया करांगे। ते अकाली सरकार वालों वार वार आ जाने कि कांग्रेस के जिहड़े वर्कर टुट के साडे नाल जुड़ रहे इत्थों तक कि 5 MLA होर हैगे ने जिहड़ा अकाली दल च शामिल होना चाहुंदे ने तुसीं जिहड़े इहो जिहे जिहड़ी कीतियां जा रहियां भविखबाणियां जां दावे किए जा रहे उन्हां नूं कैसे टैकल करोगे?
देखो ये बहुत शरारती दिमाग इन्हां जिहड़े मेन इन्हां दे लीडर साहिबान उन्हां दा है, ये हर किस्म दियां अफवाहां फैलांदे ने और लोगों नू ललचांदे ने। पर मैं समझना जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का सही सिपाही है वो अपनी जान दे देगा पर पार्टी छड़ के नहीं जाएगा। मैनू ये पूरा यकीन है भी जिन्हां जिन्हां साढ़े लीडर के मन के कांग्रेस का भावना उन्हां दा एक एक तुपका है उन्हां दे शरीर दे विच खून दा, वो कांग्रेस पार्टी दा और हमेशा कांग्रेस पार्टी लई लड़दे रहे। अच्छा भाई साहब, एक भी रहा है कि जिहड़ी कांग्रेस की जिहड़ी प्रधानगी है वो महलां चों निकल के घरां च आ गई है, ये जिहड़ा लोकां च तर्क हैगा ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, और मैं समझना भी बाजवा साहब की खास करके मैं गल करना चाहना भी जिस इन्हों जो यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया गया सी पंजाब का 1983 च, उदो मैं तुहानूं दसा पंजाब दे विच तुहानूं पता है अतवाद का कितना जोर सी, उदो राजीव गांधी जी ने खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।